मैंने कहा था ना कि जितने मुंह उतनी बातें, और कुछ देर पहले यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स आए हुए थे और उन्होंने पता नहीं क्या सोच लिया कि मैं इसे मतलब क्या करने के लिए लाई हूँ, पैसे के लिए बेचने लाई हूँ। और जब मैंने उनका वीडियो लेना शुरू किया तो फिर एक ट्रांसजेंडर ने मुझे बोला कि वीडियो बंद करने, तो उस समय तो मैंने वीडियो बंद कर दिया। लेकिन हम इंसानों के साथ इन ट्रांसजेंडर्स का भी सोच वैसे का वैसा ही है, मतलब मार रहे हैं इसको, कुछ भी किए जा रहे, इसको मेरे बेटों को खाना तक नहीं खाने दे रहे, इसका कपड़ा उघाड़ दिया, न जाने क्या क्या किया इसके साथ। और फिर मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ और क्या बोलूँगी मैं। हाँ, बहुत सारे अच्छे ट्रांसजेंडर्स से भी मुलाकात हुई है, बट ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर मेरे बिट्टों को लेकर के ऐसी सोच रखने वाले, मतलब पता चला कि ये ट्रांसजेंडर्स भी हैं जबकि ये खुद ही स्पेशली एबल्ड हैं। तो मेरे बिट्टों के बारे में इनकी सोच ऐसा देख के मुझे ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि भगवान ने ट्रांसजेंडर्स को भी डिफरेंट तरीके से बनाया है। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन मुझे दुख हुआ ये जानकर कि मतलब कुछ ट्रांसजेंडर्स की सोच हम इंसानों जैसी ही होती है कि इस मेरे बिट्टों की कुर्बानी दे दी जाएगी या फिर इसे बेच दिया जाएगा पैसों के लिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। और ये बोला तो बोला, साथ ही साथ मेरे बिट्टों का खाना भी, मतलब खाना खराब कर दिया, और उसके बाद इसका कपड़ा उघाड़ दिया, इसको बहुत डिस्टर्ब किया, इसको थोड़ा सा शरीर में मतलब मारा, या फिर मैं तो बोलूँगी कि उसने मारा ही, मैंने अपने बिट्टों, मेरे अनुसार उसने बिट्टों को मारा ही है। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सब देखकर, ये सब सुनकर।